नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज एक एलजी फेल्ट्रॉन सीआरटी टीवी रिपेयर करेंगे और इसमें दोस्तों प्रॉब्लम है कलर एडजस्ट का। ठीक है, कलर एडजस्ट जो दोस्तों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं तीन कलर स्क्रीन पे आ रहे हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू। तो दोस्तों पूरा पर्दा हमको ब्लू आना चाहिए था, तब दोस्तों पिक्चर अच्छा आता, देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों इसमें तीन कलर आ रहे हैं, तो पिक्चर जब चलाएंगे तो दोस्तों देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दोस्तों हम रिपेयर करेंगे। और इस टीवी को ऊपर दोस्तों एक वीडियो हम आपको पहले दिए थे वर्टिकल सेक्शन प्रॉब्लम का, जिसमें दोस्तों हमारा टीवी की स्क्रीन पर बाएं से दाएं एक मरकरी की तरह लाइन था पतला, जिसको दोस्तों हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं या एच लाइन कहते हैं। तो वो प्रॉब्लम दोस्तों हम ठीक करके दिखाए थे, तो स्क्रीन पर दोस्तों कलर एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम आया था। तो हम आपको बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में ठीक करके दिखाएंगे, वही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम आपको दे रहे हैं। तो इस किस्म का प्रॉब्लम दोस्तों हम बिना टीवी खोले हुए भी ठीक कर सकते हैं, ये या दोस्तों टीवी खोल के भी ठीक कर सकते हैं। तो टीवी खोलने के बाद दोस्तों टीवी में कलर एडजस्ट का एक सर्किट पीटीसी लगा हुआ रहता है, वह दोस्तों खराब हो जाने के कारण और पिक्चर ट्यूब के चारों तरफ एक दोस्तों क्वाइल बने हुए रहते हैं, उस क्वाइल में खराबी आ जाने के कारण दोस्तों हमारा जो है टीवी का स्क्रीन का कलर एडजस्ट नहीं होता है। और दूसरा दोस्तों हम मैग्नेट घुमाकर भी दोस्तों हम ठीक कर सकते हैं। यही देखिए चुंबक है हमारे पास, एक मैग्नेट, इसको दोस्तों घुमा के देखते हैं ठीक होता है कि नहीं। अगर ठीक हो जाएगा और फिर टीवी स्टार्ट करने के बाद दोस्तों प्रॉब्लम आ जाता है, तो दोस्तों हमको टीवी खोल के ठीक करना होगा, इसका पीटीसी खराब होगा। तो देखते हैं दोस्तों घुमाकर, तो देखिए दोस्तों घुमाने से प्रॉब्लम अच्छी तरह ठीक नहीं हो पा रहा है। देखिए दोस्तों इतना तो ठीक हुआ। अब दोस्तों टीवी बंद करके पुनः चालू करके देख लेते हैं, थोड़े देर के बाद दोस्तों टीवी में हम पुनः सप्लाई देकर देखेंगे हमारा सही होता है कि नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तकरीबन 2 मिनट हो गया है, चलिए पुनः टीवी स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा टीवी चालू हो गया है और स्क्रीन जैसा हमने सेट किया था वैसा दोस्तों है, लेकिन हल्का अभी भी दोस्तों है, पूरी तरह यह सही नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि किट का पीटीसी खराब हो। तो इस टीवी को दोस्तों हम खोले हुए हैं पहले से, तो हम सामने से आपको दिखा रहे हैं। एक बार दोस्तों हम इसका पीटीसी भी चेक करके देख लेंगे, अन्यथा दोस्तों ये हो सकता है कि हम ऐसे ठीक करके दे दें और दोस्तों अगर एक आध रात बंद रहा 8-10 घंटा, उसके बाद टीवी स्टार्ट करने पर अगर प्रॉब्लम आ जाता है फिर पुनः, तो दोस्तों उस स्थिति में हमारा पीटीसी ही हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम जब खोले हुए हूँ तो दोस्तों एक बार हम इसका पीटीसी दोस्तों चेक कर लेंगे ज़रूरी। ठीक है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यही पीटीसी लगा हुआ है, ये काला वाला पीटीसी है दोस्तों, और ये दोस्तों कलर एडजस्ट करने का क्वाइल दोस्तों पिक्चर ट्यूब के चारों तरफ बने हुए हैं। देख रहे हैं ये चारों तरफ दोस्तों लगा हुआ रहता है, इसका कनेक्शन दोस्तों ये पीटीसी से रहता है। तो इस पीटीसी को दोस्तों हम निकाल देते हैं और निकालने के बाद दोस्तों चेक कर लेंगे, यही दोस्तों खराब होता है तो कलर एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम आता है। देखिए दोस्तों यही पीटीसी यहाँ पर लगा हुआ है, 3 पिन का पीटीसी यह होता है। इसको दोस्तों हम ड्राई सोल्ड करके पहले बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से ड्राई सोल्ड करके ये पीटीसी दोस्तों हम निकाल लिए हैं, इसको दोस्तों हम मीटर से चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इस पीटीसी को ऐसे चेक करते हैं, इसमें कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए मीटर में। देखिए तो कंटिन्यूटी दोस्तों मीटर में हमारा नहीं दिखा रहा है। इस पॉइंट पर देखते हैं, इस पॉइंट पर दिखा रहा है लेकिन इस पॉइंट पर नहीं दिखा रहा है। इस पॉइंट पर दोस्तों दिखाना चाहिए था। ठीक है, तो इस पॉइंट से देखिए कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, यानी दोस्तों यह पीटीसी हमारा ख़राब हो चुका है। एक नया पीटीसी दोस्तों चेक करके दिखाते हैं, यह 3 पिन का पीटीसी है दोस्तों। अदर किट में दोस्तों 2 पिन भी लगा हुआ आता है, 3 पिन भी लगा हुआ आता है। तो ये देखिए दोस्तों पीटीसी, ये यहाँ से यहाँ, तो देखिए दोस्तों हमारा कंटिन्यूटी शो कर रहा है, मीटर का कांटा दोस्तों दिखा रहा है, देख रहे हैं, और इधर भी दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा न्यू पीटीसी है, ये दोस्तों हमारा पीटीसी सही है। यही पीटीसी दोस्तों खराब होने से कलर दोस्तों डिस्पैच हो गया था,
तो इस पीटीसी को दोस्तों नया वाला पीटीसी को लगा देते हैं, यह कलर दोस्तों पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए कि अगर यह कॉइलें खराब हो जाए तो दोस्तों तब आप कैसे ठीक कीजिएगा, तो उस स्थिति में दोस्तों मैग्नेट से ही दोस्तों आपको अच्छी तरह इसका स्क्रीन सेटिंग करना होगा, यह दोस्तों सेट हो जाता है। और कभी कदाल दोस्तों किसी किसी टीवी में देखा गया है कि सेट करने के बाद कुछ दिन के बाद पुनः दोस्तों आ जाता है, तो उस स्थिति में दोस्तों आपको बराबर सेटे करना पड़ेगा जब कॉइल खराब हो जाएगा तब, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम ये वाला लगा देते हैं पीटीसी, इसका प्रॉब्लम जो है दोस्तों कलर प्रॉब्लम का हमेशा के लिए दोस्तों ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम नया वाला दोस्तों बैठा दिए हैं, चलिए इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर न्यू पीटीसी लगा दिए हैं, सारा कनेक्शन दोस्तों कर दिए हैं, ठीक है। ये पीटीसी दोस्तों खराब हो जाएगा तो आपका कलर एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम दोस्तों आता ही आता है, ठीक है। चलिए टीवी स्टार्ट करके देख लेते हैं स्क्रीन। तो दोस्तों हम टीवी में सप्लाई दे दिए हैं, दोस्तों हमारा टीवी की स्क्रीन पर लाइट आ गया है, और दोस्तों जो कलर डिस्पेस वाला प्रॉब्लम था एकदम दोस्तों पूरी तरह एकदम साफ हो गया है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको स्क्रीन दिखा देते हैं, देख लीजिए दोस्तों स्क्रीन ये पूरी तरह दोस्तों ब्लू हो गया है, ठीक है। दोस्तों इस सर्किट में कलर एडजस्टमेंट वाला प्रॉब्लम दोस्तों पूरी तरह सही हो गया है, आप भी दोस्तों ऐसे ही रिपेयर कर लीजिए। तो दो तरह से ठीक किया जाता है, एक मैग्नेट से और एक दोस्तों पीटीसी से, ठीक है। तो इसमें दोस्तों पीटीसी खराब है, हम मैग्नेट नहीं भी घुमाते, इसका पीटीसी खराब था, डायरेक्ट हम नया पीटीसी लगा देते तो यह दोस्तों कलर वाला एडजस्टमेंट वाला प्रॉब्लम था बिल्कुल दोस्तों ठीक हो जाता, ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो बाएं साइड अंगूठे के निशान को टच करें, एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।